नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहूया व्याकरण मध्या समास आणि विरामचिन्ह। समास म्हणजे शब्दांचा संक्षेप करून नवीन जोड शब्द तयार करण्याच्या प्रक्रियेला समास म्हणतात। मतलब कोई किसी भी शब्द को संक्षेप में करके, ठीक है, मतलब बड़े अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वैसे अनेक शब्दों के लिए क्या करना है, अनेक शब्दों का एक शब्द बनाना, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास। सामासिक शब्दांची फोड करून दाखवण्याच्या पद्धतीला विग्रह म्हणतात। और एग्जाम में क्या आता है, समास व सामासिक विग्रह। तो सामासिक विग्रह क्या होता है, जो भी सामासिक शब्द हैं उनको फोड़ कर या उनको तोड़ कर, ठीक है, जो दिखाने की पद्धति होती है उनको तोड़ना ही क्या कहलाता है, विग्रह। उदाहरण भाऊ आणि बहीण। यहाँ पे आप देखेंगे भाऊ आणि बहीण, ये क्या है, तीन दो शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर क्या कर दिया गया है, भाऊ बहीण। भाऊ आणि बहीण ये क्या है, सामासिक विग्रह है, और इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या कर है, एक शब्द बनाया गया है, भाऊ बहीण, वो क्या है, समास है। नेक्स्ट है प्रत्येक दिवसी। प्रत्येक दिवसी म्हणजे दर रोज। इकडे प्रत्येक दिवशी दोन अलग वेगळा शब्द आहे, प्रत्येक आणि दिवशी दोन वेगळ्या शब्दाला जोडून एक नवीन शब्द तयार केला आहे, दर रोज। म्हणून प्रत्येक दिवशी मतलब हर दिन, इसलिए इसका एक शब्द बना दिया है, दर रोज। प्रत्येक दिवशी हे सामासिक विग्रह आहे आणि दर रोज ये सामासिक शब्द आहे। नेक्स्ट आहे आपला शब्द विद्येचा आलय। विद्येचा आलय मतलब विद्ये का मंदिर। आलय मतलब क्या होता है, मंदिर, विद्या का मंदिर। विद्या का मंदिर किसे कहते हैं, विद्यालय को। तो ये विद्येचा आलय जो है वो क्या होगा, हमारा सामासिक विग्रह होगा, और विद्यालय जो है वो क्या है, हमारा सामासिक शब्द। नेक्स्ट अपन पाहूया समास करताना, सामासिक विग्रह करताना किंवा समासाचे नाव लिहिताना कोणती बातमी, कोणती बावी आपल्याला आठवणी ठेवायची आहे। समास म्हणजे काय, कमीत कमी दोन शब्द एकत्र येणे, मतलब अकेला सिंगल वर्ड नहीं होता, कम से कम दो शब्द क्या होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो क्या कहलाता है, समास। नेक्स्ट है सामासिक शब्द। दोन शब्द एकत्र येऊन तयार झालेला नवीन शब्द, मतलब दो शब्द एक साथ। सामासिक शब्द क्या होता है, जब दो शब्द एक आकर मिलते हैं और एक नए शब्द निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सामासिक शब्द। नवीन शब्द उसे क्या कहते हैं, सामासिक शब्द। जैसे मैंने तुम लोग को अभी एग्जाम्पल दिया था, दो शब्द कौन से था, विद्येचा आलय, विद्ये आणि आलय, हे दोन वेगळा शब्द आहे, आणि हे मिळून काय झाला होता, विद्यालय। तो विद्येचा आलय हे काय आहे, सामासिक विग्रह, आणि विद्यालय हे काय आहे, सामासिक शब्द। सामासिक शब्दांची फोड करून दाखवणे। विग्रह म्हणजे काय, जे सामासिक शब्द दिला आहे, समासिक शब्द काय आहे, विद्यालय, आणि हेचा फोड करून मतलब विद्येचा आलय असं लिहिणार तर काय होणार, विग्रह। नेक्स्ट आहे समासात कमीत कमी दोन शब्द असतात। समास में क्या होता है, कम से कम दो शब्द होते हैं।
समासातील शब्दांना पदे असे म्हणतात. मतलब यहाँ पे जो दो शब्द हैं, बहुत देर से बोल रही हूँ, शब्द हैं, दो शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी शब्द होते हैं, शब्द को शब्द ना कर कहकर क्या कहते हैं, पद कहा जाता है. यहाँ पर आप देखिए, पहला शब्द को क्या कहेंगे, पहले पद, यानी दूसरा शब्दाला दूसरे पद. मैंने आप लोग को बताया कि हर एक सामासिक शब्द में दो दो शब्दों को या दो पदों को मिलाकर ही सामासिक शब्द बनता है. तो इसमें पहला शब्द जो होता है उसे क्या कहते हैं, पहला पद, और जो दूसरा शब्द होता है उसे कहते हैं दूसरे पद. अब अपन पाहूया समासाचे प्रकार. समासाचे चार प्रकार असत, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास. इकडे आपल्याला दोनच समास आहे. अव्ययी भाव समास आणि द्वंद्व समास, बाकी दोन आपल्या सिलेबस मध्ये नाही. पहिले आपण पाहूया अव्ययी समास काय, कोणाला म्हणतात आणि त्याच्या विग्रह कसे करतात. ज्या समासातील पहिले पद महत्वाचे असून ते उपसर्ग असते व जो समासिक शब्द क्रिया विशेषण अव्ययाचा कार्य करतो त्या समासाला अव्ययी भाव समास असे म्हणतात. मतलब जिस शब्द समास में पहले पद, पहला पद क्या होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. मतलब पहले पद के मिलने के कारण ही क्या होता है, शब्दों में परिवर्तन आता है, पदों में परिवर्तन आता है. और पहला पद क्या होता है, क्रिया विशेषण में, मतलब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास. मनुन मतलब कौन से शब्द होते हैं, ऐसे कौन से ऐसे शब्द होते हैं, जैसे दर रोज, दर मतलब रोज में. यहाँ पे देखिए आप, रोज में क्या लगा है, दर, ये क्या लिखा है, उपसर्ग लगा है, इसके कारण ही क्या हो गया, इस शब्द का अर्थ बदल गया है. गैर हजर, गैर हजर मतलब अनुपस्थित. यहाँ पे हजर क्या है, दूसरा पद है, और पहला पद क्या है, गैर. तो गैर लगने के कारण इस हजर, हजर का मतलब बदल गया है. यथा शक्ति, शक्ति अनुसार, मतलब यहाँ पे शक्ति है, उसके अंदर यथा उपसर्ग लग गया है, जिसके कारण क्या हो गया है, इसका मतलब बदल गया है. ये अव्ययी भाव समास अस्तात्, मतलब ये समास के कुछ उदाहरण है जो मैंने आपको दिए अव्ययी भाव समास के, जिसके कारण क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे पहले पद उपसर्ग होने के कारण दूसरे पद में बदलाव आता है. अब यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे अव्ययी भाव समास का. पहला है दर रोज, दर रोज, यहाँ पर उसका सामासिक विग्रह किया हुआ है. देखिए पहले पद क्या है, दर रोज, दर, और दूसरा पद क्या है, रोज. ठीक है, यहाँ पे महत्व का पद कौन सा है, दर. ठीक है, ये क्या है, उपसर्ग है. दूसरा है गैर हजर, गैर हजर में आप देखेंगे पहला पद कौन सा है, गैर, और दूसरा पद कौन सा है, हजर. तो इसमें गैर जो है वो क्या है, उपसर्ग है, इसलिए गैर क्या है, पहला पद है. यथा शक्ति,
यहाँ पे भी उसको विग्रह किया यथा और ये शक्ति, यहाँ पे पहला पद क्या है यथा, वरिल शब्दाशिक शब्द असामासिक शब्दांत पहिले पद महत्त्वाचे आहे, कारण पहिल्या पदांमुळे त्या त्या समासिक शब्दांचा विशेष अर्थ प्राप्त झाला आहे। मतलब यहाँ पे मैंने आप लोग को जितना भी दिखाया तीन एग्जाम उदाहरण में, इन उदाहरण में क्या है, सब में क्या है, पहला पद प्रधान है, मतलब पहला पद क्या है, महत्वपूर्ण है, जिसके कारण क्या हुआ, ये पहले पद के आने के कारण बाकी सारे शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हुआ है, मतलब बदल गया है। देखो अव्ययीभाव भाव समास में बहुत सारे हैं कि किन किन कौन कौन से उपसर्ग लगते हैं। पहला है आ उपसर्ग, मतलब पहले क्या लगेगा, आ उपसर्ग। आ उपसर्ग को हम लोग किस में परिवर्तित करते हैं सामासिक विग्रह करते समय, आ उपसर्ग को हम लोग किसमें करते हैं, मंजे पासुन कीमा पर्यंत, ठीक है, मतलब कीमा या पर्यंत तक। देखेंगे हम उदाहरण द्वारा कैसे, देखिए यहाँ पे सामासिक शब्द क्या है, आ कंठ, यहाँ पे उपसर्ग क्या लगा है अ, जब इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो कंठा पर्यंत, आ को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पर्यंत में, यहाँ पे अ किसमें परिवर्तित हुआ है, पर्यंत में। नेक्स्ट आप देखेंगे आ जन्म, आ जन्म में क्या हो गया है, यहाँ पे आ का परिवर्तन किसमें हुआ है, पासुन में, पासुन, तो क्या बन गया है, जन्मा पासुन। तीसरा है आमरण, इसमें आ का परिवर्तन जो हुआ है वो किसमें हुआ है, पर्यंत में, तो क्या आ गया है, मरणा पर्यंत। मतलब जब भी कभी आप उपसर्ग लगा रहता है तो उस आ का परिवर्तन पर्यंत की वहां पासुन में करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, उपसर्ग अगर रहेगा दर हर और प्रति, ठीक है, तो उसका परिवर्तन किसमें होगा, प्रत्येक में। यहाँ पे देखेंगे हर घड़ी, इसमें हर क्या है, उपसर्ग है, इसका सामासिक विग्रह करते समय हर को हटा के क्या लगा देंगे, प्रत्येक। नेक्स्ट है दर वर्षी, यहाँ पे उपसर्ग है दर, इसको चेंज करके दर दर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रत्येक में, तो क्या आएगा, प्रत्येक वर्ष। यहाँ पे प्रति क्षण है, प्रति को भी हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्षण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं उपसर्ग है बिन और बिना, बिन और बिना को किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ये शिवाय में, इसका मतलब क्या होता है, शिवाय। तो समासिक शब्द का विग्रह करते समय वहां पे क्या होगा, बिन या बिना की जगह पे क्या होगा, शिवाय। यहाँ पे आप देखिए बिन छू, यहाँ पे बिन क्या है, उपसर्ग है, समासिक विग्रह करते समय हमने क्या किया है, बिन को हटा दिया है, तो क्या लिख दिया है, चूकी शिवाय। यहाँ पे आप देखिए बिन बिरो बिन धोक, यहाँ पे बिन लगा है, समासिक विग्रह करते समय क्या किया हमने, धोके शिवाय। यहाँ है बिना हरकत, यहाँ पे बिना हटाया है, क्या लिख दिया, हरकती शिवाय। फिर है बिना कारण, यहाँ पे हमने बिना हटा के क्या लिख दिया है, कारणा शिवाय। यहाँ पे दूसरा उपसर्ग देखेंगे यथा, जब किसी भी शब्द के आगे यथा उपसर्ग हो
तो हम क्या करेंगे, यथा हटाएंगे और वहां पे प्रमाणे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप समासिक शब्द क्या है, यथा क्रम है और इसमें उपसर्ग है यथा, यथा को हटाएंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रमाणे लगा देंगे, क्रमा प्रमाणे। यहाँ पे क्या है यथा मति, यहाँ पे यथा हट के क्या हो जाएगा मति प्रमाणे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा इसमें क्या है, कौन सा उपसर्ग है बे या गैर, और इसको हम लोग किसमें पर मनजे, इसका मतलब क्या होता है नहीं, इसका मतलब क्या होता है नाही। हम लोग जब सामासिक शब्द को विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे नाही, नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बेपरवाह, तो बे हट जाएगा तो क्या होगा परवाह न करता। यहाँ पे बेशिस्त है, यहाँ पे बे हटेगा विग्रह करते समय, तो फिर क्या आएगा शिष्ट ना पारता। यहाँ पे गैर मर्जी, गैर उपसर्ग है, गैर हटेगा तो क्या हो जाएगा मर्जी बिना, नेगेटिव। गैर शिष्ट, गैर हट जाएगा तो क्या आएगा शिष्टि बिना। इस तरह से हम क्या करेंगे अव्ययी भाव समास को अच्छी तरह से लिखेंगे। अब आएगा हमारा दूसरा समास, शब्दांची द्विरुक्ति, एक शब्द दोन वेडायने, मतलब एक शब्द अगर दो बार भी आता है तो भी क्या करते हैं उसके लिए अव्ययी भाव समास में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दारो दार, दोनों एक ही शब्द है दार दार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको प्रत्येक में कन्वर्ट कर देंगे, प्रत्येक दार, जागो जागी, तो क्या आएगा प्रत्येक जागी, गल्लो गल्ली, इसका क्या हो जाएगा प्रत्येक गल्ली, गाओ गाओ गावी, क्या आएगा प्रत्येक गावी। मतलब इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल किया हो, एक ही शब्द दो बार आया हो, उसका विग्रह करते समय हमें क्या करना है प्रत्येक का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास, एक हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, ज्या सामासिक शब्दातील, ज्या सामासिक शब्दातील दोन्ही पदे महत्वाची असतात त्याला द्वंद्व समास म्हणतात। मतलब हमने अभी अव्ययी भाव समास पढ़ा, उसमें क्या था जिसमें पहला पद क्या होता है महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, और उपसर्ग होता है, उसे क्या कहते थे अव्ययी भाव समास। यहाँ पे द्वंद्व समास में क्या है, जिसमें दोनों शब्द क्या हो महत्वपूर्ण हो, उसे क्या कहते हैं द्वंद्व समास। उदाहरण देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए सामासिक शब्द क्या है आई वड़ील, पहला पद क्या है आई और दूसरा पद क्या है वड़ील, मतलब ये दोनों शब्द आपस में क्या है महत्वपूर्ण है, इसमें क्या है कोई भी ऐसा नहीं है कि ये एक के बिना दूसरा अधूरा है। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, भेदा भेद, भेद अभेद, मतलब ये दोनों शब्द क्या है इसमें है, और सभी शब्द अपने अपने आप में क्या है महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे दोनों शब्द क्या होते हैं महत्व रखते हैं।
अब द्वंद्व समास के प्रकार देखेंगे हम लोग। पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा प्रकार है वैकल्पिक द्वंद्व समास, तीसरा प्रकार है समाहार द्वंद्व समास। मतलब यहाँ पे द्वंद्व समास के भी चार प्रकार हैं। इन तीन प्रकार हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। हम पहले पढ़ेंगे इतरेतर द्वंद्व समास। जीवश द्वंद्व समासातील सामासिक शब्दांचा विग्रह करताना आणि व या उभयान्वयी अव्ययांचा वापर करतात तेव्हा त्या इतरेतर द्वंद्व समास म्हणतात। मतलब जब भी सामासिक शब्द का हम विग्रह करते हैं और विग्रह करते समय हम आणि व या मतलब इन सारे उभयान्वयी अव्यय का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, सामासिक शब्द और विग्रह किया हुआ है। सामासिक शब्द क्या है, चंद्र सूर्य। अगर हम चंद्र सूर्य को बोलेंगे और वैसे वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, चंद्र आनी सूर्य। यहाँ पे इसका विग्रह करते समय किसका इस्तेमाल हुआ है, आनी का, ऊन पासून। हमेशा याद रखना इतरेतर द्वंद्व समास से हमें क्या करना है, आनी या व का इस्तेमाल करना है। ऊन पाउस, ऊन आनी पाउस। भीमा अर्जुन, भीमानी अर्जुन। मतलब ये जो दो चीजें होती हैं वो एक साथ क्या है, हमारी सृष्टि में या हमारे जीवन में समाहित होती हैं, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, आनी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास। जेव्हा द्वंद्व समासाची विग्रह करताना किंवा अथवा व या उभयान्वयी अव्ययाचा वापर करतात व दोन्ही पदे परस्पर विरोधी असतात तेव्हा त्याला वैकल्पिक द्वंद्व समास म्हणतात। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पे विग्रह करते समय हमें क्या करना है, किंवा अथवा वा, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करना है। और याद रखना है जो दो पद होंगे, पहले पद और दूसरे पद, वो एक दूसरे के क्या होंगे, विरोधी शब्द होंगे। ठीक है, विरोधी मतलब अपोजिट्स होंगे। हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पहला शब्द दिख रहा है, एक किंवा दोन। जैसे हम अगर किसी से कोई बोलता है कि कितनी चीजें लानी है तो हम क्या बोलते हैं, एक या दो लेते आना। तो दोनों में से कोई भी एक ही होगा, या तो एक होगा या तो दो होगा। यहाँ पे दो विरोधी शब्द हैं। नीचे देखिए पांच दहा, या तो पांच हो सकता है या तो दस हो सकता है। बरे वाइट, यहाँ पे आप देखेंगे बरे मतलब अच्छा और वाइट मतलब बुरा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट शब्द है, विरोधी शब्द है। मागे पूरे, ठीक है, या तो हम मागे जा सकते हैं या तो हम पूरे जा सकते हैं। दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। इसलिए हमने इसको बीच में क्यों लगा कि क्या किया है, जोड़ा है। नेक्स्ट हम देखेंगे समाहार द्वंद्व समास। जेव्हा द्वंद्व समासात एक सामासिक शब्द इतर अनेक गोष्टीचा समास असतो, समावेश असतो व ज्याला विग्रह करताना वगैरे इतर इत्यादी या शब्दांचा वापर होतो तेव्हा त्याला समाहार द्वंद्व समास असे म्हणतात। मतलब जेव्हा द्वंद्व समास, मतलब द्वंद्व समास का विग्रह करते समय पहले पद और दूसरे पद के अलावा भी बहुत सारे पदों का समावेश होता है, उसे क्या कहते हैं, और उसका विग्रह करते समय हम क्या करते हैं, वगैरह या इतर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, समाहार द्वंद्व समास। जैसे देखिए भाजी भाकरी, ये सब मोस्टली क्या होंगी, वस्तुएं होंगी। भाजी भाकरी, तो भाजी भाकरी वगैरह, यहाँ भाजी और भाकरी के बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा और लास्ट में क्या लगेगा, वगैरह। यहाँ पे पूरी भाजी, पूरी भाजी वगैरह। तिल गुड़, तिल गुड़ में क्या होगा, तिल गुड़ वगैरह। मतलब
हमें क्या करना है, ऐसी वस्तुएं जो होती है, वस्तुएं जो एक साथ लिखी होती हैं, उन वस्तुओं के बीच में कॉमन लगा के वगैरह जोड़ के उसे क्या करना है, समाहार द्वंद्व समास का विग्रह करना है। यहाँ पे हमारा समास खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रामर, अब हम उदाहरण देखेंगे। देखिए आप यहाँ पर परे वाइट एग्जाम में आएगा, सामासिक शब्द दिया होगा और विग्रह का कॉलम और सामासिक समासक चिन्ह, ये दोनों कॉलम क्या होंगे, ब्लैंक होंगे, हम लोग को ये दोनों में भरना है। क्या क्या बरे वाइट, उसका विग्रह क्या होगा, बरे किमा वाइट, कौन सा समास हुआ, किमा लगा है, इसका मतलब ये कौन सा समास हुआ, वैकल्पिक द्वंद्व समास। नेक्स्ट है देखो प्रतीक्षण, प्रतीक्षण में आगे प्रति क्या लगा है, उपसर्ग, और प्रति उपसर्ग रहता है तो किसमें बदलते हैं उसको, प्रत्येक में, इसलिए प्रतीक्षण आ जाएगा। और इसमें पहली पद क्या है, उपसर्ग है, इसलिए कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। दूसरा है मीठ भाकरी, ये क्या है, वस्तु है, इसलिए क्या होगा, मीठ कौमा भाकरी वगैरह, कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व समास। दूसरा है भाऊ बहिन, तो इसका क्या हो जाएगा, भाऊ बहिन, दोनों पद क्या है, महत्व रखते हैं, इसलिए क्या होगा, इसका भाऊ यानी बहिन, और आनी लगने की वजह से कौन सा समास होगा, इतर इतर द्वंद्व समास। अब हमारा पॉइंट है विराम चिन्ह, जेव्हा आपण बोलत असतो तेव्हा मध्ये मध्ये थांबत बोलतो, या थांबायला विराम असे म्हणतात। लेखन मध्ये हा विरामच्या वेगवेगळ्या खुणांनी किंवा चिन्हांनी दाखवला जातो, त्या चिन्हांनी विराम चिन्हे म्हणतात। मतलब जब हम बोलते हैं तो कंटिन्यूअस बोलते ही नहीं रहते, बोलते बोलते अगर डायलॉग आएगा या कोई साइड इमोशन आएगा तो हम क्या होते हैं, चुप होते हैं, रुकते हैं, और इसी रुकने को क्या कहते हैं, हम विराम कहते हैं, और लेखक में इसे क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह। और इसको इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीजों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। मराठी में 9 विराम चिन्ह हैं। देखो मराठी में 9 विराम चिन्ह है। पहला है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है, उद्गार चिन्ह इसका चिन्ह है ऐसा, संयोग चिन्ह, संयोग चिन्ह ऐसा होता है, स्वल्प विराम इसका चिन्ह ऐसा है, अर्ध विराम का चिन्ह ऐसा होता है, प्रश्न चिन्ह ऐसा, अपसरण चिन्ह ये अपसरण चिन्ह है, अवतरण चिन्ह, हम लोग इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उससे क्या कहते हैं मराठी में, अवतरण चिन्ह। अब हम देखेंगे इन सारी चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह के नाम छह नाव पहला है पूर्ण विराम, उसका चिन्ह दिया है केवा वापर, तो वाक्य पूर्ण झाले, वाक्य पूर्ण झाले हे दाखवण्यासाठी वापरतात। मतलब जब भी कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो उस वाक्य के पूरा होने के बाद हम क्या करते हैं, विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देखेंगे,
मी दररोज अभ्यास करतो, ये वाक्य है वो कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट में क्या लगा है? पूर्ण विराम। नेक्स्ट आता है अर्ध विराम, दोन छोटी वाक्य उभयान वही अव्यानी जोड़ता तेवा वापरता। ठीक है, मतलब क्या होता है जब दो छोटी छोटी वाक्यों को उभयान वही अव्यय से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब क्या लगता है वहां पे? अर्ध विराम लगता है। यहाँ पर आप देखिए उदाहरण है, गढ़ आला पण सिंह गेला। यहाँ पे गढ़ आला एक वाक्य है, सिंह गेला दूसरा वाक्य है, इसको हमने किससे जोड़ा है? पण से। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? अर्ध विराम लगाएंगे। तीसरा है स्वल्प विराम, मतलब होता है कॉमा, जिसे सब जानते हैं। एकाद जाति से शब्द लागू पाठ वापरता, हाक मारता, नावा पोड़े वापरता, मतलब जैसे एक ही जाति के बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी या भारतातील नदिया आहे, तो मतलब इतने सारी नदियों के नाम एक साथ आए, इसलिए सारी नदियों के बीच में क्या आएगा? कॉमा आएगा। यहाँ पे देखो किसी के नाम के आगे बोलते हैं, वैसे श्यामल पुस्तक दे, रोहन चलू या चल, यहाँ पे क्या आएगा? जब भी हम किसी के नाम को जोर दे के बुलाते हैं तब क्या होता है? ये नाम के बाद क्या होता है? कॉमा, स्वल्प विराम आता है। नेक्स्ट है अपूर्ण विराम, वाक्याचे शेवटी तपशील देताना वापरतात, मतलब वाक्य के अंत में क्या करते हैं? तपशील। जैसे कोई भी आप प्रश्न देखेंगे, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर रहता है पूरी प्रश्नांचे उत्तरे दिया, तो दिया के बाद क्या आता है वहां पे? अपूर्ण विराम लगा रहता है, पूर्ण विराम नहीं। जैसे देखिए नामांचे पूरिल प्रकार पूरिल प्रमाणे है, यहाँ पे क्या लगा है? देखो अपूर्ण विराम। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह तो सभी आप जानते हैं, जब भी किसी वाक्य में प्रश्न पूछा होता है तो वहां पे क्या करते हैं? प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है तू कोठे गेला होतास, यहाँ पे उद्गार चिन्ह अपने मन की भावना व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो शब्द के अंत में जिस शब्द से हम लोग क्या करें अपने मन की भावना को व्यक्त कर रहे हैं उस शब्द के अंत में क्या लगेगा? उद्गार चिन्ह। जैसे यहाँ पे देखो बाप रे केवड़ा मोटा हसाप, यहाँ पे हम लोग भयभीत हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा? बाप रे शब्द का इस्तेमाल किया और उसके आगे क्या लगाया? उद्गार चिन्ह। नेक्स्ट होता है अवतरण, अवतरण चिन्ह में दो प्रकार है, एकेरी अवतरण और दुहेरी अवतरण। ठीक है, एकेरी अवतरण होता है एखाद्या शब्दावर जोर देताना किंवा दुसऱ्याचे मत सांगताना वापरतात, मतलब किसी शब्द पे जोर देते हैं या तो किसी और की बातों को बोलते समय उसका लगाते हैं, एकेरी अवतरण। और दुहेरी अवतरण क्या होता है? जैसा शब्द बोला है बिल्कुल वैसे का वैसा ही उतारना, क्या होता है? पर क्या होता है? दुहेरी अवतरण। जैसे अगर किसी पिक्चर का डायलॉग है और उस डायलॉग को हम बोल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? सेम वैसे का वैसा अगर आप डायलॉग बोल रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा? दुहेरी अवतरण चिन्ह। जैसे गांधी जी ने चले जाओ ही घोषणा दिली, मतलब गांधी जी ने क्या कहा था? चले जाओ, यह उन्होंने वाक्य कहा था, तो यहाँ पे चले जाओ को क्या आएगा? इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, सिंगल, एक केरी अवतरण चिन्ह में। और दूसरा क्या है? शरद मनाला, शरद काय मनाला, अगर वो वाक्य आप लिख रहे हो मी सहलीला एन, तब वो वाक्य के में क्या होगा? दुहेरी अवतरण चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है संयोग चिन्ह, एक शब्द जोड़ता ना वापरता, मतलब जैसे दुख सुख, दुख और सुख के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं? संयोग चिन्ह, मतलब एक दो शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ओडिशा शेवटी शब्द अपूरा राहिलास वापरता, मतलब विद्यार्थी प्रतिनिधि, इसमें क्या है? देखिए संयोग चिन्ह लगा है, मला निबंध लिहा याला खूब आवड़ दो। ठीक है, मला निबंध लिहा याला खूब आवड़ दो, मतलब ये जो निबंध लिखना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट आएगा अपसरण चिन्ह, जिसे डैश भी कहते हैं। ठीक है, बोलता बोलता विचार मालिका टूटला और वापरता, मतलब बोलते बोलते हमारे जो विचार है वो अगर टूट जाते हैं, वो हम नहीं बोल पाते, तो हम क्या करते हैं? अपसरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। स्पष्टीकरण देने के समय भी हम क्या करते हैं? अपसरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ती मुलगी जिन्हें लाल रिबिन बांध दी आहे ती पहली आली, मतलब उसको क्या करते हैं हम लोग? किसी लड़की के बारे में, किसी के बारे में जिसका नाम हमें नहीं पता होता है, या किसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देते समय हम क्या करते हैं? अपसरण चिन्ह का इस्तेमाल
करते हैं। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। आज हमने समास और विराम चिन्ह पढ़ा। किसी को कोई डाउट से तो पूछ सकता है। यस स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है? हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा। टीचर ये द्वंद वैकल्पिक समास बताइए ना। क्या बताऊँ? वैकल्पिक समास। द्वंद वैकल्पिक समास। हाँ द्वंद वैकल्पिक समास। एक मिनट। चाय है कि नहीं? अभी एक गुस्सा आता है आपको स्क्रीन। क्या वो थैली में देने से क्या वो वैकल्पिक द्वंद्व समास वो होता है जिसमें क्या होता है, दोनों शब्द क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके अंदर कौन सा किवा किवा से हम क्या करते हैं, दोनों शब्दों को जोड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी शब्द होते हैं, अपोजिट शब्द। हेलो टीचर। हाँ बोलो। किवा का हिंदी में अर्थ क्या होता है? किवा मतलब अथवा। अथवा। ओके टीचर। किवा मतलब होता है अथवा। नेक्स्ट, और कोई है? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर डैश चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ होता है? डैश मतलब आप मराठी में बताइए कौन सा चिन्ह है। टीचर मराठी में संयोग चिन्ह। ठीक है, डैश मतलब अपसरण होता है। जब भी क्या होता है, कोई हम अपनी बातें व्यक्त करते करते रुक जाते हैं या वो विचार टूट जाते हैं, जैसे मी गेन लो पन, यहाँ पे क्या हो गया, हमने अपने बातों को रोक दिया। मैक्स वो कुछ बोल रहा था लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी बातों को रोक दिया। तो ऐसे ऐसे शब्दों की ऐसे वाक्यों की जगह पे क्या होगा, हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना है? आज हमने व्याकरण में समास और विराम चिन्ह पढ़ा। थैंक यू।